एवरीवन, दिस इज वर्सटाइल अनामिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं संडे है तो संडे को ऐसे ही घूमने मस्ती करने जा रहे हैं। हम चल रहे हैं अभी घूमने आसपास। अगर आप लोग नोएडा से हो तो नोएडा में ही कोई मतलब स्पेशल जगह है, वहाँ पे घूमने जा रहे हैं। मायावती पार्क है यहाँ पे नोएडा में, तो वहीं पे हम जा रहे हैं। मैं वैसे जा रखी हूँ एक बार, बहुत पहले, मुझे उतना याद नहीं है, 4-5 साल पहले, और बहुत जल्दी जल्दी में गए थे और जल्दी में आए थे। तो आज अच्छे से जा रही हूँ घूमने, क्योंकि वहाँ का व्यू देखती हूँ रील वील पे बहुत जगह पे, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग भी आज चलते हैं वहीं पर, मस्ती करके आइए। तो चलिए, वीडियो में बने रहिएगा। और गाइज, बोलना चाहूँगी, वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, पॉसिबल हो तो फ्रेंड फैमिली में शेयर कर दीजिए। सो गाइज, मैं तैयार हो गई हूँ, तो अब हम निकल रहे हैं। तो चलिए, और मैं कैसी लग रही हूँ? दिख नहीं रहा है सही से, लाइट नहीं, सिंपल ही है, ऐसे नेचुरल तैयार हुई हूँ क्योंकि घूमने जा रहे हैं संडे को। यहाँ पे टिकट लेके अंदर जाना होता है, तो वही ले रहे हैं। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं यहाँ पे मायावती पार्क। आज संडे है तो संडे को सोचे कि मस्ती टाइम के लिए यहाँ पे आते हैं, टाइम थोड़ा स्पेंड करते हैं। घर में रह रहे के पता ही है दिल्ली में आपको। तो ये रहा, यहाँ से गेट है, टिकट लेना पड़ता है। तो यहाँ पे हस्बैंड मेरे जा रहे हैं वहाँ पे टिकट लेने के लिए। ये बाहर का व्यू है यहाँ का, और ये पार्क ओपन होने का टाइमिंग है यहाँ पे, तो गर्मी के टाइम पे 11 बजे से 9 बजे तक, और सर्दी के टाइम पे 11 बजे से 8 बजे तक ओपन होता है। और ये अंदर का व्यू देख के तो इतना अच्छा लगता है, मतलब पूरे में टाइल्स वाइल्स लगा हुआ है पार्क में। और ये यूपी की मुख्यमंत्री जो थी पहले, मतलब मुख्यमंत्री थी मायावती जी, उन्होंने बनाया हुआ है पार्क इतना बड़ा। और एलिफेंट उनका चुनाव चिन्ह था, तो पूरे में एलिफेंट लगा रखा है। जो भी आगे आप और भी चीज़ देखोगे, हर चीज़ पे एलिफेंट का सिंबल दिया हुआ है या तो एलिफेंट बनाया हुआ है। तो ये हम लोग अंदर जा रहे थे यहाँ, और मोस्टली लोग यहाँ पे देखने क्या जाएंगे, उसके अंदर तो मायावती जी है, तो और यहाँ पे रील बनाने और फोटो बनवाने यही करने यहाँ पे सब जाते हैं हम। चलिए, तो मैं सोची, आप लोग सोचोगे इतना बड़ा जो ये बनाया हुआ है महल सा, उसके अंदर कौन है, तो दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे मायावती जो है वो खुद की वो इतनी बड़ी मतलब मूर्ति बनाई हुई है, और भीमराव अंबेडकर है, एक और है, तो ऐसे यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई थी जो हम लोग पढ़े नहीं उतना। और वो काला काला मूर्ति देख के हमारे बच्चे जो थे वो डर रहे थे, छोटा है पूजा का मतलब बेटा है वो रेयांस, वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। देखिए यहाँ पे मेरे हस्बैंड पूछ रहे हैं, रेयांस चल रहे उसमें, अरे उसमें चले बड़े बड़े से नहीं जाएगा वो, चलिए सर गंदी में जा रहा है। और यहाँ पे अगर ऐसे आप चेयर पे बैठना चाहते हो तो चेयर पे भी कुछ कुछ दूर पे ऐसा चेयर बनाया हुआ है, तो आप बैठ सकते हो। नहीं तो आप अंदर जाके पार्क में मतलब घास पे, ग्रीनरी पे जाके बैठ सकते हो, तो वो ज़्यादा बेटर मुझे लगा, क्योंकि नेचुरल वहाँ पे मिल रहा है और बच्चे भी खेल लिए। चलते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक बीच में तो उस टाइप है, फिर इधर जाके एक ये यहाँ पे भी एलिफेंट ही बना हुआ है। तो फोटो लेकिन बहुत अच्छी आई यहाँ पे, रील सब देख रहे हो, सब फोटो रील ही बनवा रहे हैं। और इधर गार्डन है दोनों साइड, मतलब घास सब पार्क जैसा बना हुआ है, तो उसमें हम बैठ सकते हैं। ये राउंड राउंड सा ग्रीन, मतलब सजावट काफ़ी अच्छी थी, तो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया, यहाँ पे सब फ़ोटो वोटो लिए। और रील अगर नहीं देखे हो तो मेरी इंस्टा आईडी है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके ज़रूर देख सकते हो, बहुत प्यारी प्यारी रील बनाई है, और मेरे हस्बैंड के साथ भी बनाई हूँ बहुत सारा, तो आप ज़रूर वहाँ पे जाओ देखो। तो यहाँ पे हम लोग फ़ोटो वोटो, चलो चलो चलो, हाँ।
इधर से इस साइड आइए। हम लोग घर से चले तब तो मतलब बहुत अच्छा मौसम था, बारिश जैसा बना हुआ था। वहाँ पे गए तो इतनी धूप हो गई, सब पसीना से गर्मी के मारे बेचैन हो गए थे वहाँ पे। और देखिए लो बैठते हैं कहीं पे ना। यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे और नैतिक रेयांस दोनों खेल रहा था यहाँ पे, उसके पापा भी खेल रहे थे साथ में। वो क्लिप शूट नहीं कर पाई मैं तो। दिल्ली में तो 7 बजे तक धूप ही रहता है और 7 बजे के बाद तो हम लोग को घर आना था क्योंकि अगले दिन तो सबका मतलब इंस्टीट्यूट कोचिंग, और इंस्टीट्यूट कोचिंग दोनों कह रही हूँ, नैतिक का स्कूल रहता है यहाँ पे। देखिए मेरा बेटा, मैं बॉल लेके नहीं गई थी क्योंकि मुझे पता नहीं था इसके अंदर बॉल भी ले जा सकते, तो इसके पास पानी का बोतल था वही लेके बच्चे खेल रहे थे। लेकिन चलो जैसे भी इंजॉय तो कर रहे थे ना, थोड़ा सा माइंड तो रिफ्रेश हो गया ना बच्चों का भी क्योंकि पढ़ना स्कूल। इसके बाद ये चारों साइड पार्क के मतलब पेड़ लगे हुए हैं काफ़ी अच्छे अच्छे, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में, एकदम ग्रीन ग्रीन। और मौसम भी है अभी बारिश का तो उस पर और घना घना सा पूरे में पत्ते वत्ते सब हो रखे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखिए सब खेल रहे हैं, सब ने मस्ती किया काफ़ी ज़्यादा, हम लोग इन्जॉय किए क्योंकि थोड़ा रिफ्रेश होना ज़रूरी होता है, पूरे वीक घर में रहते हैं हम लोग। और अब हम लोग घर जा रहे हैं क्योंकि अगले दिन तो मंडे है, तो मंडे को तो सबको स्कूल, हस्बैंड को इंस्टीट्यूट जाना होता है इस वजह से। और ऑन वॉइस यहाँ पे नहीं है इसलिए क्योंकि यहाँ पास में मंदिर है, तो मंदिर में ना सॉन्ग बज रहे थे तो कॉपीराइट क्लेम सारे वीडियो पे आ जाते, वैसे ही बहुत सारे पे आ गए हैं, तो इस वजह से मैं मतलब ऑन वॉइस नहीं की, वॉइस ओवर कर रही हूँ यहाँ पे। और इवनिंग का व्यू तो बहुत अच्छा लग रहा था, पूरे में लाइट वाइट जल गई थी, तो देख लो आप लोग इस टाइम पे भी थोड़ा मतलब लेट से भी अगर आप जा रहे हो 6:30 बजे तो मतलब ठीक है, वहाँ पे नाइट टाइम में भी अच्छा लगता है। सब बैठे हुए थे, हम लोग को तो अगले दिन सबका काम रहता है अपना अपना, तो इसलिए टाइम से आना ज़रूरी होता है। बस हम लोग इंजॉय करने गए थे थोड़ा सा रिफ्रेश होने। और गाइस यहाँ का जो टिकट है बस 15 रुपये का है, तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है कि उस पार्क में जाने टिकट लेके जाना होता है, मैं पहले बताई थी बट रेट नहीं बताई थी। गाइस तो हम लोग आ गए हैं वहाँ से घूम के, आज हमारा संडे फंडे अच्छा रहा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गर्मी देख रहे कितना है, पूरा पसीना पसीना हालत ख़राब हो गई, लेकिन वहाँ पे मज़ा बहुत ज़्यादा आया। बच्चों को एंजॉय करवाने ले गए थे और ख़ुद भी एंजॉय करने गए थे, तो अच्छे से एंजॉय किए। और कैसी लगी आप लोग को वीडियो, वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा। बाय बाय।